धनबाद के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, ये डीसी की प्राथमिकता सूची में है। उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का मंगलवार को निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि जो मरीज इलाज के लिए आते हैं उन्हें उपलब्ध संसाधनों के बीच बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने SNMCH के प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन एवं वरिष्ठ डॉक्टरों से वस्तु स्थिति का जायजा लिया। डॉक्टर ज्योति रंजन ने समस्याओं को अस्पताल में डॉक्टरों की कमी एवं मशीनों की कमी को उपायुक्त से अवगत कराए। उपायुक्त ने अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी मरीज अस्पताल में आते हैं उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इसको ध्यान में रखते हुए मौजूदा रिसोर्स की उपलब्धता में साथ ही मरीज को समुचित इलाज, बेड, जांच, दवाएं आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त बीते 2 मार्च को हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर में लगी आग वाले स्थान का भी निरीक्षण किया। प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन ने बताया कि डायलिसिस सेंटर में मरम्मती का कार्य चल रहा है जो कुछ दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द डायलिसिस सेंटर के रिपेयर का कार्य पूर्ण होते हुए पुनः सुचारू रूप से डायलिसिस सेंटर को चलाया जाए। साथ ही पूरे अस्पताल परिसर में इस तरह की कोई घटना ना घटे इसे ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी के इंतजाम को दुरुस्त कराया जाए। इस मौके पर उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक, प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन समेत कई वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद डीसी क्या बोली आप भी सुनिए। आज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में हम लोग का जो निरीक्षण था ये एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया के तहत निरीक्षण था। इसमें हमने कॉलेज के प्रिंसिपल और यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे बात करी, उनकी समस्याएं जानी, उनकी फैसिलिटीज हम लोगों ने जानी। जिला प्रशासन की तरफ से उनको बस यही निर्देश दिया गया है कि पेशेंट्स की सुविधा को हम लोग ध्यान में रखें, रिसोर्स की जो समस्या है उसके बीच में हम लोग पेशेंट को कैसे बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं, कैसे उनके लिए जो दवाएं हैं और अन्य सुविधाएं हैं उसको सर्व समय उपलब्ध करा सकते हैं, यही प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया। जी मैडम, यहाँ पर समस्या ये है जैसे कि जो भी गर्भवती महिलाएं आती हैं चिकित्सा की कमी के कारण दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है, इसको कैसे दूर करने की पहल की जाएगी, जिला प्रशासन ने क्या भूमिका रहेगी इसके लिए? अभी हम लोगों ने कुछ एक दो हफ्ते में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग जैसी बुलाने का विचार किया है जिसमें हम लोग सदर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और बाकी जो अन्य हॉस्पिटल्स हैं उसके बीच में कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं ताकि रेफरल के केसेस कम से कम हों। मैम, रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जो थे वो अब नहीं रहे और सदर में रेडियोलॉजिस्ट हैं, इसकी मांग भी प्राचार्य ने आपसे की है, तो कैसे यहाँ पर करेंगे? इसी के लिए जैसे मैंने बोला अभी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हम लोग कॉल करेंगे अगले कुछ दिनों में, जैसे ही चुनाव के व्यवस्था से थोड़ा समय मिलता है तो उसमें हम लोग इन्हीं सारे मुद्दों पर विचार करेंगे और उम्मीद है कि कुछ सोल्यूशन निकलेगा। क्या आचार संहिता बाधक नहीं बनेगा इस सब कुछ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर कुछ प्लान होगा तो? नहीं, आप जानते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज जो चुनाव आयोग ने उसको उससे दूर रखा है, तो स्वास्थ्य चूंकि एसेंशियल सर्विसेज में है तो इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हम लोग। जैसा कि आपने देखा मैडम, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर नहीं है लेकिन अल्ट्रासाउंड है, सदर में रेडियोलॉजिस्ट है लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो ऐसे मरीजों की समस्या होती है तो कुछ कोऑर्डिनेशन बनने से पहल की जा सकती है। बिल्कुल, इसके डायलिसिस यूनिट पर कब तक चालू होने की संभावना है? आज ऐसा अभी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि वो लोग उस पर काम कर रहे हैं, उनका काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही वो लोग उसको ट्रायल करके चालू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक, इसके बगल में मैम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बना हुआ है, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन वो शुरू नहीं हो पा रहा है फैकल्टी की कमी की वजह से, डॉक्टरों की कमी की वजह से, उस पर कुछ काम होगा? अब जैसे आप जानते होंगे विभाग स्तर की चीज है और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि उन्होंने भी कम्युनिकेट कर दिया है, हम लोग भी विभाग से बात करेंगे कि उसमें बिल्डिंग जो तैयार है उसको जल्दी से चालू कराएंगे।